हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चंद्रप्रभा एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि क्लास 11 CS2 यानी कि पेपर 2 जो होता है, सारा हार्डवेयर का जो पेपर होता है उसका जो सेकंड चैप्टर है लॉजिक गेट्स एंड सीक्वेंशियल सर्किट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो कई जो इंस्टीट्यूट्स हैं, कई कॉलेजेस हैं और तो और जो प्रोफेसर्स हैं वो कई सारे टीचर्स अलग अलग अपने प्रेफरेंस के हिसाब से बुक रेफर कर सकते हैं। सो जो आपके बुक में ये चैप्टर का नाम है वो थोड़ा अलग हो सकता है, डोंट माइंड इट, लेकिन जो कंटेंट, जो कोर बेसिक कंटेंट होने वाला है दैट इज गोइंग टू रिमेन द सेम। सो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर हम बेसिकली पढ़ने क्या वाला है। तो जैसे आप देख सकते हैं चैप्टर का नाम इटसेल्फ है लॉजिक गेट्स, तो हम पहले लॉजिक गेट्स के बारे में सीखेंगे जो कि आपका आधा चैप्टर है। इसके बाद जो हमारा रेस्ट हाफ चैप्टर होगा वो होगा सीक्वेंशियल सर्किट्स का। सो फ्रेंड्स, चैप्टर स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जो कुछ भी हम सारे जो अपकमिंग पार्ट्स ये वीडियो के जब भी हम अपलोड करेंगे तो सारे नोटिफिकेशंस आप तक लेटेस्ट नोटिफिकेशंस पहुंचते रहें। और आप जो है वो हमारे हैंड रिटन नोट्स को अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप वहाँ से पढ़ना चाहते हैं, सो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और उसके लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो जब भी आप ये पूरा वीडियो देखने के बाद जब भी आप रिविजन करना चाहते हैं सो आप वहाँ के जो नोट्स हैं PDF फॉर्म में जो अवेलेबल है वो आप डाउनलोड करके जो है वो रिविजन अपना कर सकते हैं। सो हम बेसिकली स्टार्ट करने के पहले मैं आपको और एक पॉइंट बता देती हूँ कि क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के जो CS होता है, कंप्यूटर साइंस पेपर 1 और पेपर 2, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों के जो सारे सब्जेक्ट हैं वो हमने ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए हैं और उनके सभी चैप्टर्स की जो प्लेलिस्ट है उनका जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आप वहां से सारे चैप्टर्स जो है वो वन बाय वन, पार्ट बाय पार्ट देख सकते हैं। सो आई होप कि आपको कोई भी तकलीफ यहाँ पर नहीं होगी। सो अगर आपको कोई डाउट है इस चैप्टर के रिलेटेड जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो वो भी आप ओपनली कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बता सकते हैं। सो मैं आपको उसका आंसर भी दे दूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आज का जो चैप्टर है वो जो है लॉजिक गेट्स एंड सीक्वेंस सर्किट्स। तो कई बार जैसे आप चैप्टर का नाम देख सकते हैं काफी बड़ा है, तो वैसे ही उसका जो वेटेज है और उसका जो कंटेंट है वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एज कंपेयर टू बाकी के सारे चैप्टर्स अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो इसका जो वेटेज है वो बाकी सारे चैप्टर्स के अकॉर्डिंग जो है सबसे ज़्यादा है, सबसे मतलब दोनों सभी चैप्टर्स जो आपके तीन चैप्टर्स रह जाते हैं वो सभी चैप्टर्स का अगर हम कंपेयर करते हैं तो इसी चैप्टर का वेटेज सबसे हाई है। तो इसी चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके लिए एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। साथ ही इसका जो एप्लीकेशन है, इसकी जो यूजेस है वो हम फर्दर जब हम क्लास 12th के अंदर जब हम पढ़ रहे होंगे CS तो उसके अंदर भी हम दोनों CS1 और CS2 के अंदर इसे यूज़ कर रहे होंगे। सो आपको ये चैप्टर अच्छे से बारीकी से सारा जो मैं आपको पढ़ाते जा रही हूँ, समझाते जा रही हूँ वो आपको नोट डाउन करना है। साथ ही जो मैं हाईलाइट कराते जा रही हूँ यानी कि ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो ये वो सारे क्वेश्चंस आपको अकॉर्डिंगली मार्क करने हैं अपने टेक्स्ट बुक या फिर अपने नोटबुक के अंदर और अकॉर्डिंगली आपको रिविजन करना है, पढ़ना है ऑन डेली बेसिस। सो हम स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को जो कि है लॉजिक गेट्स एंड सीक्वेंशियल सर्किट्स। सो सबसे पहले मैं आपको बाइफर्केशन बताती हूँ यानी कि बेसिक जो पार्ट्स हम इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं। मैं आपको एक ओवरव्यू बता देती हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं लॉजिक गेट्स और सीक्वेंशियल सर्किट्स हैं। हाँ, और मैं कह रही थी कि इसका वेटेज ज़्यादा है तो आप इसे ऑप्शन में डालने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा। कि कई लोग सोचते हैं कि ये बड़ा चैप्टर है, इसे लास्ट में निपटाएंगे, पहले सारे की तीन जो चैप्टर्स बाकी हैं वो कर देंगे। सो ऐसे करते करते जो है वो लोग लास्ट में कर देते हैं, इस चैप्टर को लास्ट के लिए छोड़ देता है और फिर वो खुद मेस्ड अप हो जाता है यानी कि वो चैप्टर को अच्छे से रिटेन ग्रास्प नहीं कर पाता है। तो ये काफ़ी समझने वाली चीज़ है कि हमें इस चैप्टर को जल्द से जल्द समझना होगा और स्टार्ट करते हैं तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए। तो जैसे आप देख सकते हैं ये लॉजिक गेट्स एक हमारा पार्ट है, जो आधा चैप्टर हमारा लॉजिक गेट्स का होगा और जो सीक्वेंशियल सर्किट्स हैं वो हमारा दूसरा पार्ट है यानी कि जो हमारा पार्ट सेकंड है इस चैप्टर का वो इसके अंदर सीक्वेंशियल सर्किट्स हम पढ़ रहे होंगे। सो अगर हम बात करते हैं लॉजिक गेट्स की तो लॉजिक गेट्स जो है वो कई टाइप्स के होते हैं। तो हमारे सिलेबस में जो हम बेसिक गेट्स पढ़ने वाले हैं वो है एंड गेट के बाद हम पढ़ेंगे और गेट, फिर हम पढ़ते हैं नॉट गेट, फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं नैंड गेट यानी कि जो एंड गेट का ऑपोजिट हो सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एन जुड़ा है और एंड जो है वो एसेटिस है यानी कि एंड गेट का ऑपोजिट होता है हमारा नैंड गेट। इसके बाद में हम पढ़ते हैं नॉर गेट। आप देख सकते हैं और के जस्ट आगे एन जुड़ा है तो ये हो जाता है हमारा नॉर गेट जो कि और गेट की टोटल ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। और नॉर गेट पढ़ने के बाद हम एक्स और गेट पढ़ते हैं यानी कि इसे हम एक्सक्लूसिव और गेट भी कहते हैं। सो ये बेसिकली क्या है, इसका फंक्शन क्या है, हम ये किस तरह से हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर इसके एप्लीकेशन किस तरह से
होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो हम अपकमिंग सेशंस के अंदर देखेंगे। सो आज जो है वो हम आधा चैप्टर कवर करने जा रहे हैं, इसलिए ये जो पार्ट वन है वो देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर जो ये सारे गेट्स हैं वो हम इन डिटेल कवर करने वाले हैं। साथ ही मैं आपको बताने वाली हूँ कि लॉजिक का मतलब क्या है, गेट का मतलब क्या है, और ये सारे जो गेट्स हैं वो हम किस तरह से पढ़ते हैं, और एग्जाम में हमें किस तरह से लिखना होता है अगर क्वेश्चन आता है तो। इसके बाद जो आप देख सकते हैं इसका जो सेकेंड पार्ट है उसके अंदर है सीक्वेंशियल सर्किट्स। सो सीक्वेंशियल सर्किट्स जो है वो हमारे पार्ट टू के अंदर आता है, यानी कि बेसिकली जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर दो पार्ट्स हैं। तो पहले ये पार्ट है, उसके बाद एक एक्सरसाइज आपको दी गई है, इसके बाद ये सेकंड पार्ट है, इसके बाद एक सेकंड एक्सरसाइज दी गई है। तो सारे एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ऊपर मिल जाएंगे, साथ ही जो एक्सरसाइज सॉल्यूशन की वीडियोज़ हैं उनके लिंक भी आपको प्लेलिस्ट के फॉर्म में जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं इसके एक्सरसाइजेस के सारे क्वेश्चंस। सो सीक्वेंशियल सर्किट्स की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर भी हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ते हैं, और लॉजिक गेट समझने के बाद हम उनका एप्लीकेशन सीक्वेंशियल सर्किट्स के अंदर करते हैं। तो अगर आपको लॉजिक गेट्स यानी कि अगर आपको चैप्टर का इनिशियल पार्ट नहीं अच्छे से समझ में आता तो आपके लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कॉजिंग हो सकता है, क्योंकि आपको सीक्वेंशियल सर्किट्स पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। सो हम पहले देख लेते हैं कि सीक्वेंशियल सर्किट्स के अंदर हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो सीक्वेंशियल सर्किट्स के अंदर जो सबसे फर्स्ट हम पढ़ते हैं वो है फ्लिप फ्लॉप। तो फ्लिप फ्लॉप के अंदर भी जो है वो कई सब पार्ट्स होते हैं फ्लिप फ्लॉप के। हमारे बुक में जो है वो कई लिमिटेड सब टॉपिक्स इसके दिए हैं। सो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है इसके टाइप्स है वो हमें अलग अलग टाइप्स इसके पढ़ने होंगे। फॉर एग्जांपल इसका जो टाइप्स फर्स्ट टाइप है जो हम पढ़ते हैं वो है आरएस फ्लिप फ्लॉप, इसके बाद हम पढ़ते हैं डी फ्लिप फ्लॉप, फिर हम टॉगल फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ते हैं, इसके बाद हम पढ़ते हैं जे के फ्लिप फ्लॉप। तो इस तरह से जो है इसके सब टाइप्स हैं, यानी कि एक एक इंडिविजुअल फ्लिप फ्लॉप जो अलग अलग मेथड का है वो हमें पढ़ना होगा। इसके बाद जो है वो हम कई रेसिस्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, रेसिस्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, साथ ही और लॉजिक गेट्स के बाद हम हाफ एडर और फुल एडर के बारे में भी पढ़ते हैं, लेकिन वो एक सिर्फ अलग सा कॉन्सेप्ट है जो आपके बुक में मेंशन है, जिसका हमें सीक्वेंशियल सर्किट्स में इस्तेमाल वैसे ज़्यादा नहीं है। इसके बाद में हम रेसिस्टर्स पढ़ते हैं जिसके अंदर हम शिफ्ट रेसिस्टर भी पढ़ते हैं। इसके बाद जो हम पढ़ते हैं वो होता है काउंटर्स, फिर हम डिकोडर्स के बारे में भी पढ़ते हैं, इसके बाद हम मल्टीप्लेक्सर्स के बारे में पढ़ते हैं, और फाइनली हम पढ़ते हैं डी मल्टीप्लेक्सर्स के बारे में। सो ये मल्टीप्लेक्सर्स, डी मल्टीप्लेक्सर्स, कोडर्स, डिकोडर्स, काउंटर्स क्या होता है, रेसिस्टर्स क्या होता है, सो ये आपको जो है अपकमिंग वीडियो लेक्चर्स में पता चल जाएगा सभी चीज़ें, और उनका डेफिनेशन और उनका एप्लीकेशन, उनका यूज, स्ट्रक्चर, वर्किंग, सभी फंक्शंस आपको जो है वो अपकमिंग वीडियोस के अंदर पता चल जाएंगे। आज मेजरली जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स के जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर सिक्स सब टाइप्स होते हैं, एंड और नॉट, नैंड नॉर और एक्सॉर। सो हम इंडिविजुअली देखेंगे कि ये बेसिकली हम किस तरह से पढ़ते हैं, लेकिन लॉजिक गेट्स को स्टार्ट करने के पहले आपको समझना होगा कि लॉजिक का मतलब क्या है, और सारी गेट को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, उसके टर्म्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहले जैसे आप हमारा चैप्टर का जो नाम है वो लॉजिक गेट से स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहले हमें लॉजिक क्या है उसको समझना होगा। बेसिकली लॉजिक का मतलब होता है कोई एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि हमें कंडीशन प्रोवाइड करेगा हाई आउटपुट के लिए। तो हाई का मतलब क्या है, हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू नहीं होती है, यानी कि अगर हम कंपेयर करते हैं सिक्स को और सेवन को, सो सेवन हमारा हाई आउटपुट है, तो इस तरह से हमें नहीं करना। हाई का मतलब यहाँ पर होता है कि अगर हम बात करते हैं जीरो और वन के टर्म्स में, तो जो वन हमारा है वो हाई आउटपुट होता है, और जो जीरो है वो हमारा लो आउटपुट होता है। तो इस तरह से बेसिकली जो एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो हमें ये हाई आउटपुट की कंडीशन प्रोवाइड करती है उसे हम कहते हैं लॉजिक। ये जो है वो कई टर्म्स में हम इसे डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जो है इसे हाई लो के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर यूज किया है, हाई हो सकता है, लो हो सकता है, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकेंड कंडीशन जो है वो ऑन ऑफ भी हो सकता है, ये जो ऑन है या फिर ऑफ जो है ये बेसिकली जो है हम स्विच के अंदर यूज करते हैं, तो ऑन ऑफ स्विच के अंदर यूज होता है। साथ ही हम यहाँ पर जो है वन या फिर जीरो के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, तो ये जो है वो बाइनरी या फिर जो हम बूलियन इक्वेशंस लिखते हैं उसके टर्म्स में ये यूज होता है। इसके बाद जो है हम इसे और भी मेथड्स के अंदर यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल क्लोज, ओपन। तो ये जो क्लोज ओपन है वो बेसिकली हम सर्किट के अंदर यूज करते हैं।
सो इस तरह से हमें सारी जो चीज़ें हैं वो हमें समझने होंगे। सो बेसिकली हम जो मेजरली फोकस करने वाले हैं वो इसके ऊपर हैं, यानी कि जब भी हम स्विच के अंदर वगैरह कर रहे होंगे तभी हम ऑन ऑफ है ये दिखाएंगे ही, साथ ही जब हम बुलियन इक्वेशन लिख रहे होंगे तभी हम 1 0 का इस्तेमाल करेंगे, जब हम उसी को सर्किट के अंदर रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तभी हम क्लोज ओपन का इस्तेमाल करेंगे। सो जैसे आप देख सकते हैं अगर हम फोकस करते हैं 0 के ऊपर, 0 का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है लो, और इसी का मतलब होता है सर्किट ओपन है। ओपन से भी सर्किट होगा तो उसके अंदर कुछ फ्लो नहीं करेंगे, यानी कि हमारा स्विच जो है वो ऑफ है। सिमिलरली अगर हम 1 की बात करते हैं तो 1 का मतलब हाई है, जैसे आप कंपेयर करके देख सकते हैं 1 का हाई वैल्यू होता है। 1 का मतलब ऑन भी होता है स्विच के अंदर, तो स्विच ऑन है यानी कि जो हमारा सर्किट है वो क्लोज्ड है, उसके अंदर करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। सो इस तरह से जो है वो हम लॉजिक को डिफाइन करते हैं। सो हम जैसे मैंने कहा आपको स्टार्टिंग में, हमें बूलियन इक्वेशन के लिए 1 और 0 के टर्म्स में लिखना होता है बाइनरी के फॉर्मेट में, इसके बाद आपको उसे सर्किट के अंदर भी रिप्रेजेंट करना है, साथ स्विच में भी हमें उसे रिप्रेजेंट करना होगा। सो आपको पता चल गया कि लॉजिक क्या होता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि जो सारे गेट्स हैं उनको जो भी हम डिस्टिंग्विश करना चाहेंगे, एक्सप्लेन करना चाहेंगे, सो हमें कुछ टर्म्स के अंदर उन्हें एक्सप्लेन करना होगा। सो जो टर्म्स जो है वो फर्स्ट टर्म जो हम उसे यूज करेंगे वो है ट्रुथ टेबल, यानी कि जब भी हम कोई भी गेट को उसका उसके बारे में जब हम बता रहे होते हैं तो हमें ट्रुथ टेबल के थ्रू बताना होगा। तो ये ट्रुथ टेबल क्या होता है वो हम देख लेते हैं। सो ट्रुथ टेबल का मतलब ऐसा टेबल जिसके अंदर लॉजिक को हम एक्सप्लेन करते हैं लेकिन सारे पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन होते हैं इनपुट को वो हम वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं और रिस्पेक्टिव जो अकॉर्डिंग आउटपुट है वो हमें मिल जाता है। सो बेसिकली हम देख सकते हैं इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगा, ट्रुथ टेबल इज दैट टेबल इन विच द लॉजिक इज एक्सप्लेन टेकिंग ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट और रिस्पेक्टिव आउटपुट्स। तो बेसिकली आपको ये डेफिनेशन पढ़कर समझ में नहीं आया होगा कि हम एग्जैक्टली किसकी बात करें, लेकिन जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट जो हमें याद रखना है वो है बूलियन इक्वेशन, यानी कि लॉजिक पूरा लिखने के बाद एक पर्टिकुलर गेट का उसको ट्रुथ टेबल के अंदर रिप्रेजेंट करने के बाद हम उसे बूलियन एक्सप्रेशन के या फिर बूलियन इक्वेशन के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो बूलियन इक्वेशन का मतलब क्या है, किस तरह से हम लिखते हैं तो वो समझ लेते हैं। सो बूलियन इक्वेशन का बेसिक मतलब होता है कि वो एक मैथमेटिकल इक्वेशन होता है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर गेट का इनपुट और आउटपुट मेंशन होता है एक पर्टिकुलर वे के अंदर। सो बेसिकली बूलियन इक्वेशन जो है जैसे मैथ में इक्वेशन कहते हैं लिखते हैं उसी तरह से जो बूलियन एलजेब्रा होता है, सो बूलियन एलजेब्रा का इक्वेशन उसके फॉर्म में जो इक्वेशन होते हैं उसे हम बूलियन इक्वेशन कहते हैं। सो बेसिकली ये जो बूलियन इक्वेशन है वो आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट बूलियन ये हमें पता चला है, यानी कि जो बूलियन साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि लेटर्स और वर्ड्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉरी लेटर्स और सिंबल को हम इस्तेमाल कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ वर्ड्स। तो उन्होंने जो वर्ड्स का पूरा जो मीनिंग था वो उन्होंने यहाँ पर कैंसिल आउट कर दिया और वर्ड्स की जगह पर उन्होंने लेटर्स और सिंबल को इंट्रोड्यूस करवाया, यानी कि वर्ड्स की रिप्रेजेंटेशन का जो कुछ भी रिप्रेजेंटेशन है वो हम लेटर्स और सिंबल में यहाँ पर करने वाले हैं। सो बूलियन एलजेब्रा के अंदर जो बूलियन इक्वेशन है वो हम किस तरह से लिखते हैं वो हम आगे चल के देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम जो बाद में जैसे मैंने आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया दिया है कि सिंबल हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं इंस्टेड ऑफ वर्ड्स, तो अब हमारे जानने के लिए आ जाता है कि ये सिंबल का बेसिकली मतलब क्या होता है। सो सिंबल एक पिक्टोरियल आप ले कह सकते हैं या फिर एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है बूलियन इक्वेशन का। सो आप देख सकते हैं कि सिंबल को हम सिंपली जो है वो एक पिक्टोरियल फिगर या फिर डायग्राम हम कह सकते हैं। तो ये हम जो है वो सिंबल हम किस तरह से बनाते हैं, फॉर एग्जांपल रेजिस्टर का सिंबल हम इस तरह से बनाते हैं, कैपेसिटर्स का इस तरह से बनाते हैं, तो अलग अलग लॉजिक गेट्स का जो है वो हम सिंबल बना रहे होंगे। तो ये जो सारे सिंबल है वो बेसिकली हम सिंबल के अंदर लिखते हैं। सो अभी आई होप कि आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि हम बेसिकली पढ़ने क्या जा रहे हैं और लॉजिक गेट्स को हम कौन सी तरह से हमें डिफाइन करना होता है। सो फॉर इंस्टेंस अगर आपको एग्जाम में जो है और गेट का अगर आपको एक क्वेश्चन आता है, सो सबसे पहले जो है वो आपको किस तरह से उसका आंसर को लिखना होगा तो वो मैं आपको यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, क्योंकि आंसर हम किस तरह से लिखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है जो भी हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे होते हैं। तो सबसे फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास जो है एक क्वेश्चन दे रखा है। सो अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन दे रखा है फॉर इंस्टेंस एक्सप्लेन और गेट, सो सबसे पहले जो है वो हम स्टेप वाइज या फिर पॉइंट वाइज हम यहाँ पर उसका आंसर लिखेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट जो है वो हमें उसका डेफिनेशन या फिर जो कुछ भी उसका मेन कंटेंट है यानी कि और गेट का मतलब क्या होता है तो वो सबसे पहले हमें एक्सप्लेन करना होगा।
एक वर्ड या फिर मतलब एक स्टेटमेंट पे अगर वो एक्सप्लेन हम कर सकते हैं तो भी ठीक है, या फिर हम उसे और डिटेल में जितना भी एक्सप्लेन कर सकते हैं तो पहले हम उसे एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद जो हमारा सेकेंड स्टेप होगा वो होगा हमारा लॉजिक, यानी कि वो पर्टिकुलर गेट का क्या लॉजिक है। तो लॉजिक का मतलब होता है जो आप हमारा जो डेफिनेशन है उसे एकदम प्रिसाइज फॉर्म में बहुत शॉर्टली लिखना, एक एक स्टेटमेंट के अंदर लिखना इन्वर्टेड इस तरह से कॉमा डालकर, तो उसे हम लॉजिक कहते हैं। तो लॉजिक लिखने के बाद हमारा थर्ड स्टेप आता है ट्रुथ टेबल, यानी कि जो कुछ भी हमारा गिवन गेट है उसका ट्रुथ टेबल बनाकर हमें लिखना होगा। तो ये हमें थर्ड पॉइंट के अंदर लिखना है। फोर्थ पॉइंट के अंदर हमें जो है वो उसका बूलियन इक्वेशन लिखना होगा। बूलियन इक्वेशन लिखने के बाद हम उसका फिफ्थ पॉइंट में जो है हम उसका सिंबल भी बना सकते हैं फॉर आर बेटर, मतलब अच्छे से प्रेजेंटेशन करने के लिए। सो हम यहाँ पर सिंबल को भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, और डेफिनेशन लिखने के बाद, लॉजिक लिखने के बाद, ट्रुथ टेबल को एक्सप्लेन करने के बाद पूरा अच्छे से कॉलम रो बनाकर, अच्छे से पेन इस पेंसिल का इस्तेमाल करके स्केल से नीटली जब भी हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे, इसके बाद उसको जो उसका जो रिजल्ट है वो फाइनली हमें बूलियन इक्वेशन के अंदर लिखना होगा। और उसके बाद आप सिंबल भी वहाँ पर बना सकते हैं जो कुछ भी ट्रुथ टेबल होगा उसका। इसके बाद जो हमारा सिक्स पॉइंट होगा कि हम उसे सिंपल सर्किट के अंदर किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो सिंपल सर्किट के अंदर यानी कि स्विच जिसके अंदर ओपन क्लोज हम करते हैं अकॉर्डिंगली, जो हमारा ट्रुथ टेबल है उसके अंदर जो जैसे मैंने आपको कहा जीरो और वन का होता है, सो सिंपल सर्किट के अंदर जो है वही ऑन ऑफ का होता है। सो बेसिकली सिंपल सर्किट के अंदर हमें सर्किट का डायग्राम बनाना होता है, इसके बाद हमें इसी को रिप्रेजेंट करना होता है LED के फॉर्म में, जिसके अंदर हम ऑन ऑफ इसी तरह का ट्रुथ टेबल बनाते हैं। सो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो आपको छह अलग अलग टर्म्स में यहाँ पर हिस्सों में आपको ये आंसर देना होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको NAND गेट के लिए एक्सप्लेनेशन के लिए पूछा गया है, सो सबसे पहले आपको NAND गेट का डेफिनेशन लिखना होगा, उसे अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा, दो तीन लाइन्स में ये आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको उसका लॉजिक लिखना होगा, यानी कि एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट में इस तरह से कोलन डालकर आप वहाँ पर उसका लॉजिक लिख सकते हैं। बिल्कुल प्रिसाइज आपको यहाँ पर रहना है, एकदम शॉर्ट में इसका लॉजिक लिखना है। इसके बाद आप यहाँ पर आप उसी जो आपको पूछा गया है गेट उसका आप ट्रुथ टेबल बनाओगे जीरो और वन के टर्म्स में। हम देखेंगे कि किस तरह से हम इनपुट लेते हैं और आउटपुट किस तरह का निकलता है। इसके बाद आपको एक बुलियन इक्वेशन लिखना होगा जो कि एक मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह होता है, जो कि हमारे गेट के फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद आपको उसका सिंबल बनाना होगा, जो कि जैसे मैंने आपको कहा था रेसिस्टर का किस तरह का सिंबल होता है, तो इसी तरह से जो है वो सभी गेट्स का सिंबल अलग अलग से होता है, तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। इसके बाद आपको सिंपल सर्किट के अंदर जो LED होता है उसके थ्रू एग्जाम्पल देकर जो पूरा सर्किट डायग्राम है हम पूरा इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर किस तरह से पूरा डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करता है, तो वो यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट करना होगा। सो कोई भी जो क्वेश्चन अगर आपको पूछा गया है वो आप यदि ये छः के छः टर्म्स यानी कि सभी छः पॉइंट्स कवर करके यदि आप इन डिटेल अच्छे से फ्रेम करके अगर आप आंसर लिखते हैं तो आपको यहाँ पर पूरे 3 या फिर 4 मार्क्स मिलने के चांसेस हैं, यानी कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 4 मार्क के लिए पूछा जाता है या तो 3 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो आपको यहाँ पर अगर आप ये पूरे पॉइंट्स को कवर करते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं पढ़ने के लिए हमारे बेसिक गेट्स। सो फ्रेंड्स, गेट्स का पूरा जो डेफिनेशन है वगैरह वो स्टार्ट करने के पहले आपको समझना होगा कि गेट्स को हम किस तरह से डिस्टिंग्विश करते हैं, यानी कि बेसिकली कितने टाइप्स के और कितने सब टाइप्स के गेट्स हमारे पास होते हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे टाइप्स ऑफ गेट्स के बारे में। सो टाइप्स ऑफ गेट्स हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। सो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ गेट है वो होता है हमारा बेसिक गेट, और जो हमारे नेक्स्ट टाइप के गेट्स होते हैं वो होते हैं हमारे डिराइव्ड गेट्स। आपको बेसिक और डिराइव्ड से आपको मतलब समझ में आ रहा होगा कि बेसिक का मतलब होता है सिर्फ बेसिक, और वो बेसिक गेट्स से जो हम दूसरे गेट्स बना रहे हैं उन्हें हम कह रहे हैं डिराइव्ड गेट्स। सो यहाँ पर बेसिक गेट्स हमारे कुछ होते हैं और कुछ डिराइव्ड गेट्स होता है। सो बेसिक गेट्स के अंदर आता है हमारा और गेट, इसके बाद आता है हमारा एंड गेट, इसके बाद आता है हमारा नॉट गेट, जिसे हम बेसिकली इन्वर्टर भी कहते हैं। इन्वर्टर हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि जो नॉट का मतलब होता है कि वैल्यू को बेसिकली उल्टा कर देना, इन्वर्ट कर देना, तो इसलिए हम नॉट गेट को इन्वर्टर भी कहते हैं। फिर डिराइव्ड गेट्स के अंदर आते हैं हमारे नॉर गेट, इसके बाद आते हैं हमारे नैंड गेट, और फिर है हमारे एक्स और गेट। एक्स का मतलब होता है एक्सक्लूसिव और
तो एक्सॉर गेट यानी कि और का ही एक्सक्लूसिव वर्जन हम यहाँ पर पढ़ता है। सो ये बेसिकली हमारे गेट्स का डिवीजन हो गया। तो जो हमारे बेसिक गेट्स होते हैं वो और एंड और नॉट होता है, और इन्हीं का अपोजिट आप यहाँ पर देख सकते हैं, और का नॉर हो गया, यानी कि और से हमने डिराइव किया एक दूसरा गेट और इसे हमने बना दिया नॉर गेट, एंड से हमने डिराइव किया दूसरा गेट और इसे हमने नैंड गेट बना दिया। सिमिलरली नॉट यानी कि जो इन्वर्टर है इसको हम यहाँ पर डिराइव नहीं कर रहे, बल्कि हम और को जो है वो नॉट के साथ मिला रहे हैं और उसे एक्सक्लूसिव और गेट कर रहे हैं। बेसिकली इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो और नॉट के बराबर इसके नेगेटिव वाली होगी। सो ये किस किस तरह की प्रॉपर्टीज शो करता है वो हम आगे चलकर देखेंगे। स्टार्ट हम करते हैं बेसिकली, और एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर हमारे पास कुछ यूनिवर्सल गेट, हम कोई गेट्स को कहते हैं। सो बेसिकली ये यूनिवर्सल गेट्स जो होते हैं वो हम कहते हैं नॉर गेट को और नैंड गेट को। सो ये दो गेट्स जो है उनको हम कहते हैं यूनिवर्सल गेट्स। सो नॉर गेट और नैंड गेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर गेट और नैंड गेट को हम यूज़ करके जो है वो अलग अलग लॉजिक को अप्लाई करके अलग अलग गेट्स को हम इन्वेंट कर सकते हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं यूनिवर्सल गेट्स। सो फ्रेंड्स आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट मार्क करके दीजिए रखिए, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से गेट्स जो है वो यूनिवर्सल गेट है, तो हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं जब भी हम ये सारे गेट्स के इन डिटेल पढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पर याद रखना है कि नॉर गेट और जो नैंड गेट रहते हैं यानी कि डिराइव्ड गेट्स के अंदर जो ये दो गेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो दो गेट्स को ही यूज़ करके जो है थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके हम ये सभी जो अदर गेट्स हैं वो बना सकते हैं।